इंग्लैंड और भारत के बीच हुए तूफानी मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 31 रन से धूल चटाई। इस हार के जिम्मेदार कई भारतीय खिलाड़ी बने, जिनकी कप्तान विराट कोहली ने जमकर क्लास लगाई है। विराट कोहली ने हार के बाद निराशा जताई और बताया कि वर्ल्ड कप में सभी टीमों को हार झेलनी पड़ी है और कोई भी टीम हार बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन दूसरी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, इस वजह से हमें हार कबूल करनी पड़ेगी। विराट कोहली ने बताया कि एक समय स्कोर 360 के आसपास पहुंचने वाला था, लेकिन हमने 330 के आसपास रोककर अच्छा मैच बनाया। अंतिम ओवरों में हमारे गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या के विकेट पर होने पर हमारे पास बेहतरीन मौका था, लेकिन हम लगातार विकेट गंवाते रहे, जिसके कारण हम लक्ष्य से दूर रह गए। विराट कोहली ने सीधे तौर पर स्पिनरों की क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि कुलदीप और चहल ने अपनी लाइन लेंथ में परिवर्तन नहीं किया और कई बल्लेबाजों ने इनको स्विच हीट में छक्के जड़े। इतनी भयंकर धुलाई होने का कई एरिया में बाउंड्री छोटी होना भी था। विराट कोहली ने बल्लेबाजों के बारे में कहा कि अच्छी फ्लैट विकेट थी, जिस पर बेहतरीन बल्लेबाजी करी जा सकती थी, लेकिन टीम इंडिया का फ्लॉप प्रदर्शन देखने को मिला और हम मैच हार गए। मगर हम इसके दूसरे पहलू पर नज़र डालें तो टीम इंडिया हार कर भी जीत गई। पाकिस्तान हमेशा भारत के जीतने पर रोता था, मगर आज भारत के हारने पर भी रोया है, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप की टॉप फोर रेट टीम की रेस से बाहर हो गया है, यानी सेमीफाइनल की रेस से ही लगभग बाहर हो गया है। यदि अगला मैच इंग्लैंड हारता है और पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। यदि इंग्लैंड अगला मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगा। इंग्लैंड का अगला मैच न्यूजीलैंड के साथ 3 जुलाई को है, जबकि पाकिस्तान का मैच बांग्लादेश के साथ 5 जुलाई को है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कि आप किन किन टीमों के बीच सेमीफाइनल के मैच देखना चाहते हैं।